नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई गोविंद यादव सर पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं साथियों। तो आइए साथियों, पिछली क्लास में हमने साथियों क्वेश्चन नंबर जो है 60 तक कर लिया था, ठीक है साथियों। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से बात करेंगे बिना टाइम गंवाए, एकदम नए उमंग के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एकदम मजा आ जाएगा, पढ़ेंगे कतई जहर कॉन्सेप्ट, ठीक है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही बात जो बार बार कहता हूं साथियों कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, बिल्कुल एकदम नए उमंग के साथ, नए ट्रिक के साथ, और ये नई क्लास, ठीक है साथियों। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ठीक है, दिलजले वाला ट्रिक रहेगा सब इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61 समझिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है 11 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 आगे क्या है प्लस में 20 का स्क्वायर, ठीक है, यही सवाल है, कह रहा ना इसके बराबर बताइए क्या है। अभी आप समझिए ना, इसका एक छोटा सा सूत्र, प्यारा सा सूत्र, वो सूत्र अगर आपको पता है तो आप सवाल को खटाक से लगा देंगे साथियों, ठीक है। देखिए क्या थ्योरम सूत्र होता है बाबू, 1/6 एन एन प्लस में 1, अगले क्वेश्चन में 2n प्लस में 1, यही सूत्र होता है। तो n का मतलब होता है लास्ट वाला अंक, कौन सा वाला अंक, लास्ट वाला अंक। लेकिन साथियों आपको ध्यान देना होगा कि लास्ट वाले अगर अंक से हम निकालते हैं ना तो पूरा 20 के स्क्वायर तक सभी संख्याओं का सम निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है यहां तो 11 से वैल्यू शुरू हुई है, कहां से शुरू हुई, 11 से, तो 10 तक निकाल के घटाना भी होगा, ठीक है। तो पहले 20 तक निकालते हैं, तो देखिए 1/6 एन का मतलब 20, एन प्लस 1 तो 20 एक 21 और 20 दुना में 40, एन की जगह पे 20 रख रहे हैं, 20 दुना में 40, 40 एक 41, माइनस के 10 तक निकाल के आपको घटाना होगा। तो 1/6 एन की जगह अगली बार 10 आ जाएगा इस वाले सूत्र में, 10 10 एक 11 और 10 दुना में 20, 20 एक 21, काट लीजिए, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दहाई में 20, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 10 सते 70 गुना में 41, माइनस के 2 तिया में 6, 2 पचे 10, 3 सते 21, 11 पचे 55 गुना में 7, इसको करेंगे 7 जीरो लगाएंगे, 7 का नाम है 7, 7 चौक 28, माइनस के 5 सते 35, 35 के 5 हासिल लगा 3, 5 सते 35, 35 3 38, घटा लेंगे सवाल के आंसर, है ना भाई। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 5 यहीं पे कर लेते हैं, दिख रहा है ना, 10 में से 5 जाएगा 5, है ना, 10 में से इससे एक उधार लिया, 10 10 में से 5 जाएगा 5, अब यहां पे बचा है 6, इससे एक उधार लेगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 8, अब यहां पे देखो 7 बचा, 7 में से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4, 2 उतार लें, 24 85 साथियों सवाल का आंसर है, ठीक है, नोट करिए, साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ठीक है। ऑप्शन भी अभी बता देने कौन सा सही है, ठीक, ऑप्शन देखेंगे। तो अगर ऑप्शन की मैं बात करूं 61 नंबर सवाल का 24 85, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 61 हो गया ना भाई, अब 62 की तरफ बढ़ते हैं, सभी सवाल इजी इजी हैं बाबू, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए साथियों क्या कहा है, कह रहा ना 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 कहां तक है भाई, 20 के स्क्वायर बराबर वैल्यू अगर है 28 70 तो आपको 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट 40 का स्क्वायर का मान बताना है, ठीक है। सवाल में कह रहा है यदि इसके बराबर ये है तो इसके बराबर बताओ मान क्या होगा। अभी देखो आप कॉमन लीजिए 2 की घात 1, 2 की घात अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 में से 1 निकलेगा ना, तो 2 की घात 1 कॉमन लेंगे, है ना, नहीं सॉरी
दो की घात दो कॉमन लेंगे तो दुई एकन्ना में दुई, दुई दुना में एक के स्केयर, दुई दुना में चार, दुई के स्केयर, दुई तिया में छः, तीन के स्केयर, प्लस में डॉट 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 कितना बच गया 20 का स्केयर। तो आप गौर से देखेंगे ना, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू समान हो गई। तो देखो दो पे स्केयर है तो दुई दुना में चार, इसका मान पूरे का क्या है साथियों, तो आप कहेंगे 28 70 सॉरी गुना कर लेंगे सवाल के आंसर, 0 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, 8 चौके 32, 32 2 34 के 4 हासिल लगा 3, 4 2 8 3 11 सवाल का आंसर 11480 यानी कि 62 का साथियों सवाल, 62 सवाल का आंसर जो है सी है साथियों। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत किसी को नहीं, अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा है ना, अगला सवाल देखिए और समझ लीजिए भाई, सवाल नंबर 63, थोड़ा तेजी से करेंगे, बहुत आसान आसान ही सवाल है, सवाल नंबर 63। ठीक है सवाल नंबर 63 क्या है, 225 पे घात 0.2 गुना में 225 पे घात 0.5 बटे 225 पे जो घात है 0.8 गुना में 225 पे जो घात है 0.2 है। ठीक है साथियों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए मैं 20 बार बता चुका हूं आप लोगों को, ये सवाल गलत लिख दिया क्या, ये 0.3 है। ठीक अब सवाल सही है, ठीक है जी सही है। मैं बार बार साथियों आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी अगर बेस समान हो तो गुना में घाते साथियों क्या होती है, जुड़ जाते हैं, है ना। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको सवाल के साथ संबंध बनाना चाहिए कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए, आप उसको भूलना भी चाहे फिर भी नहीं भूल पाए। ठीक है ऐसा संबंध होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो बेस समान है तो गुना में घाते जुड़ जाती है, तो 225 तीन दुका हो जाएगा 5, 0.5 आप कहोगे, 8 दुका होता है 10, 10 लिखेंगे, 0.1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद लगेंगे तो 1 बचेगा और 1 का कोई अर्थ नहीं होता। 0.5 का अर्थ होता है साथियों आधा, क्या होता है अर्थ आधा, तो 225 पे घात 1/2 और बटे में यहां पे देखो 1 घात बची, 0 का कोई अर्थ नहीं, तो 225। अब आपको कहेंगे ना 225 किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे 15 का वर्ग, इसकी घात क्या है 1/2, 225 देखिए 2 से 2 कट गया है ना, तो ऊपर बचा सिर्फ 15 और नीचे 225। सोल्व करेंगे 15 का नाम 15 में 225, तो 1/15 साथियों सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 63 1/15। ठीक है समझ गए ना बाबू, अब आइए 64 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मिटाए ना इसको, ठीक स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हम इसको मिटाते रहे। ठीक है अब आइए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक परेशान बिल्कुल नहीं होना, कति जहर वाली बात बता के जाएंगे और वास्तव में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है सवाल नंबर 64 देखिए साथियों, सवाल नंबर 64 क्या है, कह रहा संख्या, आगे सभी सवाल इसी के होंगे है ना, संख्या 21 सवाल नंबर 64 संख्या 2137 पे घात जो है 753। ठीक है में इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या है, ये सवाल है। संख्या 2137 पे घात 753 में इकाई का अंक क्या, आगे आने वाली लगातार 10 या 12 सवाल सब इकाई का अंक पूछेगा साथियों, तो बार बार ये मैं बात नहीं लिखूंगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब होता है लास्ट वाली अंक। ठीक है साथियों, अभी देखिए इसका रूल होता है ना, जो ये घात है ना उसको 4 से भाग करिए, तो 4 एकन्ना में 4 एक बचेगा 3 उतारेंगे, 4 3 12 शेषफल क्या बचा, आप कहेंगे यहां पे देखो इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 पे घात 1 अर्थात आंसर क्या होगा 7 ही हुआ, तो 7 सवाल का आंसर साथियों, यानी कि 64 नंबर सवाल का जो साथियों आंसर है 7, ऑप्शन नंबर सी सही है साथियों, कौन सा सी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है
भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली बात पे आते हैं बिना सोचे समझे लास्ट के दो अंकों का, क्योंकि चार का यही रूल होता है कि लास्ट वाले अगर दो अंक संख्या से भाग हो गई तो हो जाएगी। ठीक है साथियों, ओके अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है 65 नंबर सवाल, में क्या पूछा है समझिए और लगाइए भाई। ठीक है देखिए बाबू 65 में क्या पूछा है, 13 पे घात 2003, इस पे कह रहा ना मैं इकाई का अंक, मैं इकाई का अंक, अंक पूछा है, पूरी बात नहीं लिख रहा हूं, आपके पास किताब होगी तो आप वहां से देख लेना। ठीक है यही सवाल है, संख्या 1313 पे घात 2003 में इकाई का अंक कितना है। ठीक है साथियों अब इसको हम बता देंगे कैसे, मैंने सोचा नहीं बोला नहीं भाई लास्ट वाला दो अंक लेंगे, तो देखो यहां पे 03 है तो चार से भाग देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं क्योंकि अंक छोटा है, तो यही तो शेषफल है, और यहां पे इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 3, और 3 की घात 3 लगा लेंगे तो आप 3 की घात 3 लगाने का अर्थ है 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 3 27 में ये लास्ट वाली अंक क्या है साथियों तो आप कहेंगे 7, और साथ ही सवाल का साथियों आंसर है, यानी कि इस सवाल का आंसर साथियों क्या है 65 नंबर का आंसर साथियों क्या है 7। ठीक है भाई नोट करिए, अब अगली बात पे बढ़ते हैं 66 नंबर सवाल, सभी सवाल इजी है बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है मिटाए इसको जी, सवाल नंबर 66, सवाल नंबर 66 देखिए बाबू क्या है, 66 में कहा है संख्या लिख दे रहे हैं अच्छा इसकी बात, संख्या संख्या 22 पे घात 23 संख्या 22 पे घात 23 में इकाई का अंक कितना है, में इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक कितना है बाबू, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ऐसा नहीं कहना सर जी गलत पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 66 नंबर सवाल, संख्या 22 पे घात 23 में इकाई का अंक कितना है, देखिए लास्ट का यहां पे क्या है तो आप कहेंगे 23 है, 23 को 4 से भाग देंगे 4 5 20, 3 बच जाएगा शेषफल, और यहां पे इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 की घात 3 लगा लेंगे सवाल के अनुसार, 2 की घात 3 3 बार गुना करिए, 2 दुना में 4 दुना में 8 सवाल के आंसर है। देखिए आप 23 अगर नहीं समझ पा रहे बाबू 4 से भाग देंगे 4 5 20, क्या बचेगा शेषफल 3, शेषफल हमें लेना होता है यहां पे इकाई का अंक तो 2 पे घात 3। ठीक है उसी को मैंने नीचे सॉल्व कर दिया, तो सवाल का आंसर क्या है साथियों 8। ठीक है अब आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 67 नंबर सवाल, मिटाया ना इसको ठीक, 67 नंबर सवाल करेंगे बाबू 67 नंबर, अब आइए सवाल नंबर 67, सब में वही बात है बाबू, ठीक है परेशान नहीं होना बार बार नहीं लिखूंगा, सवाल में 67 में क्या कहा है, 7 पे घात 105 इकाई का अंक, लास्ट का देखिए क्या अंक है तो आपको 05, तो यानी कि 0 का अर्थ नहीं है, 5 को 4 से भाग करेंगे 4 एक 9 में 4, शेषफल क्या बचा 1, इकाई का अंक क्या है 7, 7 की पावर 1 क्या होता है साथियों 7, और साथ ही सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है बाबू कोई दिक्कत किसी को नहीं, अब आइए सवाल नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाया ना जी 68, सवाल बहुत आसान आसान है सब, सवाल नंबर 68 देखिए बाबू 68 नंबर क्या है, 68 में है 584 गुना में 328 गुना में 547 है ना 613, कह रहा है में इकाई का अंक कितना है, में इकाई का अंक कितना है 4 8 32, इकाई का अंक देखना है 4 8 32, इकाई का अंक अब क्या आ गया आप लोगों के लिए 2, तो 2 7 14, अब इकाई का अंक क्या हो गया 4, और 4 3 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो इस सवाल का साथियों आंसर क्या है 2 है। ठीक है देखो 4 8 32 32 में 2 2 7 14 14 में 4, और 4 3 12 12 में 2, लास्ट वाला होता वही आंसर साथियों 2। ठीक है समझ गया ना बाबू, ठीक अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है
बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं इतना बढ़िया दिल जले वाले ट्रिक। वास्तव में मैंने बोला नहीं दिल जले वाला, ठीक है। एक शायरी सुना देते हैं इसी बात पे। अच्छा लास्ट में सुनाएंगे, एक सवाल करो, 70 तक करो तो सुनाते हैं। 68 हो गए ना, 69 करिए भाई। सवाल नंबर 69, 69 में देखो क्या है, 56, 27 पे घात, 153 गुना में, 671 इस पे घात है 72। इकाई का अंक बताना है क्या है। देखिए इकाई का अंक क्या है, लास्ट वाले को 4 से भाग दोगे 53, 4 से, 4 एकन्ना में 4, 1 बचेगा 13, 4 तिया में 12, शेषफल क्या बचा 1, 7 पे घात 1 लगाओ गुना, 1 का जो मर्जी वो घात लगा लो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, तो 1, ठीक है, 7 एकन्ना में 7, सवाल का आंसर 7 साथ ही, ठीक है। 1 का, 0 का, 5 का, 6 का, ये 4 नंबर जो मर्जी वो घात लगा लो, हमेशा इकाई का अंक जो यहाँ पे रहेगा वही आएगा, 1 एकन्ना में, 1 एकन्ना में, 1 एकन्ना में, 1 एकन्ना में, वही, ठीक है बाबू। अब आइए अगले सवाल में पढ़ते हैं, सवाल नंबर 70। अब सवाल नंबर 70 की बात कर लेता हूं, सवाल नंबर 70, ठीक है, 7 की पावर 95 माइनस के 3 की पावर 58, करो जी इसको बताओ, में इकाई का अंक क्या है, यही बताना है बाबू, इकाई का अंक। देखिए 95 है ना, 4 से भाग करो, 94 लिख दे रहा हूं, वाह, 4 से, 4 दुना में 8, 1 बचेगा 15, 4 तिया में 12, कितना बच गया 3, तो 7 की पावर 3 माइनस के 58 को करो भाई 4 से, तो 4 एकन्ना में 4, 1 बचेगा 18, 4 चौका 16, कितना बचेगा 2, तो माइनस के 3 की पावर 2, 7 की पावर 3, तो 7 × 49 × 7 = 343, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहां पे 3 × 9, अब घटा लीजिए तो इससे गुजार लेगा 13, यहां पे कुछ भी अंकों से मतलब नहीं, इससे गुजार लेगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 4, इकाई का अंक साथियों क्या है 4 है, ठीक है बाबू, आप समझे कि नहीं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वाली बात को हम यहीं पे इसको क्या करते हैं खत्म करते हैं, ये सवाल 70 तक हो गया, अब हम 71 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। अब आइए अगला सवाल, लेकिन आप लोगों को कहा उससे पहले शायरी सुनेंगे तो सुना देते हैं, कि बनकर हमदर्द मेरा हाल ना पूछा जाए, कैसे जी रहे हैं ये सवाल ना पूछा जाए, जिंदगी जब आंसुओं में बसर हो रही थी तो किसने दिया था वो रुमाल ना पूछा जाए, ठीक है, बोला तो सुना दिया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे भाई, 71 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, 71 में देखिए क्या है, 36 94 इसकी घात है 1793 गुना में, 615 370 गुना में, 841 इसकी घात है 491 में इकाई का अंक कितना है, देखिए सही है ना भाई, 36 94 की घात 1793 और 615 317 841 491, ठीक है, में इकाई का अंक बताना। देखिए यहां पे 4 है ना, यहां पे देखो पहले 93 को भाग करो 4 से, 4 दुना में 8, 1 बचेगा 13, 4 तिया में 12, 1 ही बचेगा, तो यहां पे 4 की घात 1 लगा लो, इकाई अंक क्या है 4। अब देखो 5 का मैंने बोला नहीं जो मर्जी वो घात लगा लो, 5 × 25 = 125, 125 × 625 = 625, आता रहेगा, लास्ट में 5 ही रहेगा, तो गुना में 5, 1 का जो मर्जी घात लगा लो 1, तो 4, देखो 4 की घात 1 4 ही होता है, तो 4 × 25 = 20, 20 एक नाम है 20, इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 सवाल का आंसर साथियों, ठीक है, 71 नंबर सवाल का आंसर 0, ठीक है।
ठीक है बाबू, अब आइए 72 पे बढ़ते हैं, ठीक, खटाखट खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। सवाल नंबर 72, 80 तक कर लेंगे इसमें जल्दी जल्दी, ठीक है। सवाल नंबर 72 देखिए, 72 क्या है, 3 की घात 61 गुना में 6 की घात 43 गुना में 7 की घात 82 7 की घात 63, 6 की घात 43, 7 की घात 82 में इकाई का अंक कितना है, ठीक है, 3 की घात 61, 6 की घात 43, 7 की घात 82 में इकाई का, ठीक है। अभी देखिए ना, इसको आप काटेंगे ना 4 से, तो 4 दुना में 8 21 आएगा, 4 5 20 3 की घात 1 बचेगा, गुना 4 दहिया में 40 तो कितना बन जाएगा, बचेगा 3 ही बचेगा ना, तो 6 का मर्जी जो मन का वो घात लगा लो, आंसर वही रहता है, 6 6 36 6 का 216 तो 6 ही लिख लो तो डायरेक्ट। अभी देखो 7 4 दुना में 8 है ना, तो 2 बज गया से इस पर, ठीक है। 6 3 क्या होता है 18, 7 7 49 8 9 क्या होता है इकाई का अंग हमें, तो लास्ट वाले अंग से 8 9 72 तो सवाल का आंसर साथियों 2, ठीक है, 72 का 2 आंसर साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। अब आइए 73 की मैं बात करता हूं, ठीक है, इसको मिटाना। सवाल नंबर 73, सवाल नंबर 73 देखिए मुन्ना, 73 में क्या है, 17 की घात 1999 प्लस में 11 की घात 1999 माइनस की 7 की घात 1999 तो बाबू 99 लास्ट वाला सब में, 17 की घात 1999 11 की घात 1999 माइनस के 7 की घात 1999 सब में लास्ट में 99, तो 99 को भाग करो किससे, 4 से, 4 दुना में 8 एक बचेगा है ना, इधर है 19 उतार लेंगे, ठीक है, तो 4 चौका का होता है 16 तो कितना बच गया 3, तो लगा लीजिए 7 की घात 3 इकाई का क्या है ना, गुना में 1 की घात 3 गुना नहीं है बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, 7 की घात 3 7 7 49 7 343 एक इकाई का अंक 3 इकाई का अंक 1 इकाई का अंक 3 लास्ट वाला अंक, ठीक है, कोई समस्या, तो 3 3 से कट गया, सवाल का आंसर क्या है साथियों 1, ठीक है। तो 73 नंबर भी सवाल हमने बड़े इजी से कर लिया, क्योंकि सवाल ही इतना इजी है साथियों, ठीक है। अब आइए हम सवाल नंबर 74 की बात करते हैं, 74 75 76 80 तक कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, हटाए ना, ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं। सवाल नंबर 74 आइए साथियों, 74 सवाल थोड़ा समझिए, ठीक है, 74 नंबर सवाल में है 86 79 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर क्या है, 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर क्या है, यही पूछा सवाल में, स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर पूछा है, 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर, ठीक है, यही सवाल पूछा है, ठीक, दिख रहा है ना साफ से बढ़िया, ठीक, 86 79 43 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर, स्थानीय मान साथियों ना 7 है तो 7 लिखिए, जितने अंक हैं उतना 0 लगाइए, 3 अंक है 3 0, और 7 का जातीय मान खुद 7 ही होता है, पर अंतर पूछा तो 7 घटा लीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना होता है, तो 6993 सवाल का आंसर, ठीक है, 6993 74 का 6993 ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 75 नंबर पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट खटाखट लीजिए, 75 नंबर आइए,
देखिए 75 नंबर क्या है, बेहद इजी और आसान सा सवाल। 75 नंबर 68 92 35, 68 92 35, 68 92 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर, स्थानीय मानो 9 तथा 3 के, तो 9 का देखो स्थानीय मान, 9 के बाद देखो कितने अंक है, उतने 0 लगाओ, 3 अंक है, 3 के बाद कितने अंक है भाई, तो आपको 1 घटा लेंगे, तो 8970 सवाल का आंसर, ठीक है 8970 ऑप्शन अगर आप मैच करोगे तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, मिटाया ना भाई, ठीक। अब आइए सवाल नंबर 76, ये तो बहुत आसानी सवाल है। देखिए कह रहा है ए तथा बी, ठीक है ए तथा बी पूर्णांक हो, ए तथा बी पूर्णांक हो, ए तथा बी पूर्णांक हो, जहां जहां बी 0 से बड़ा हो, तो दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे कि, दो पूर्णांक Q तथा R ऐसे होंगे, कैसे होंगे भाई, यही बात आपको साथियों बताना है, खटाक से आप बता देंगे, ठीक है बाबू, यही बात आपको बताना है, आप बिना सोचे समझे खटाक से बता सकते हैं। जैसे मानिए आप अगर 5 से 12 में भाग दे रहे हो, ध्यान से समझना, 5 दुना में क्या होता है 10, तो शेषफल क्या आ गया 2, अगर मान लीजिए यहाँ पे 13 होता तो शेषफल क्या आता 3 होता, तो वही सवाल इसी बात को हमें लगा देना है, तो आप कैसे लगा सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यानी कि ए बराबर, यही वैल्यू ए है, ए बराबर बी क्यू, यानी कि इसको अगर बी मान लिया, इसको क्यू मान लिया, बी क्यू इन दोनों का गुना और बराबर आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई समस्या किसी नहीं। अब जो सवाल में पूछा वो बता दीजिए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, तो अब कह रहा है ना क्यू तथा आर कैसे हो सकते हैं, क्या पूछा सवाल में, हाँ तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो सब में है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पहले ही क्वेश्चन में है तो वही सही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है पहला ऑप्शन, और जहां पे कह रहा है 0 का मान, अब ये ऑप्शन हो गया, ठीक है ये पहला ऑप्शन है, अब ये इसको मिलाते हैं देखिए सही है कि नहीं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 का मान आर के बराबर भी हो सकता है, जहां 0 का मान R के बराबर होगा या R से छोटा होगा, R से बड़ा हमेशा B होगा, ठीक है अब ध्यान से समझो, R से बड़ा हमेशा B होगा, ये सत्य है, अब अगर आप इससे भाग देंगे तो बताओ R का जो मान होगा हमेशा, R का जो मान होगा हमेशा B से छोटा होगा कि नहीं, R का जो मान होगा हमेशा B से छोटा होगा कि नहीं, तो देखो B से यहां पे क्या R का मान छोटा है, समझ में है, हमेशा इससे R का मान हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इससे भाग दे रहे हैं तो जिससे आप भाग देते हैं शेषफल उससे हमेशा छोटा होता है, और R का मान कह रहा ना कभी कभी 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, अगर मान लीजिए यहां पे 10 होता तो काटते 0 आ जाएगा, लेकिन अभी 13 था तो 3 आ गया, तो यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए यानी कि पहला ऑप्शन सही है साथियों, ठीक है साथियों, अब आइए इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है समझ में आया कि नहीं, यानी कि 40 मिनट में हम लमसम 35 या 40 जो भी हो
इतने मिनट में हम भाई 20 क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है? यानी कि प्रत्येक एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मान लीजिए औसतन, ठीक है? 77 नंबर सवाल पूछा है, यदि यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याएं ऐसी हैं ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि ए बी बराबर 0, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन लिख दे रहा हूं, ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0, ठीक है? तथा बीच में है ए बराबर 0, एक मिनट बाबू फोन आ रहा है, कर रहे हैं। आइए साथियों, एक तो फोन आ गया था, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? अब हम 77 नंबर सवाल कर ही रहे हैं, तो 77 नंबर कह रहा ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, यही सही होगा, प्रत्येक 0, ठीक है? देखो ए बी 0, ये तो हो सकता है, कह रहा ना ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, ठीक है? तो यही ऑप्शन साथियों कौन सा सही है, बी वाला, ठीक है? हम चेक भी कर लेते हैं, 77 का बी सही है, ठीक है? अब कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही, वो मिला लेना आप, ठीक है, हमने देख लिया। अब सवाल नंबर 78 में पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो साथियों सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपका आंसर होगा 2, बिना सोचे समझे, ठीक है? क्योंकि अभाज्य संख्या का फार्मूला होता है, परिभाषा, कि वह संख्या जिसका कम से कम 2 गुणांक हो, एक तो स्वयं कटे, एक एक से कटे, तो सबसे छोटी 2 है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। 79 नंबर देख लीजिए, 79 और 79 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो भी लिखा था, अब लिखने पे बिल्कुल नहीं जाइएगा। 79 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया है ना, बताइए 70 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कितनी है, ये आपको बताना है, थोड़ी देर पहले बताया, अभी बता सकते हो कितनी है? तो 2, 3, 5, 7, मतलब कम से कम उसका 2 गुणांक होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 70 से छोटी अभाज्य संख्या है, 2, 5, 7, उसके बाद क्या होगा भाई, 11, 13, उसके बाद क्या होगा, 17, 19, ठीक है? 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद क्या हो सकता है, 23 के बाद क्या हो सकता है, 29, 23 के बाद 29, 29 के बाद क्या होगा बाबू, 2, 3, 5, 7, 11, कोई छूट ना, छूटे तो गड़बड़ गिनती, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गया, 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद क्या होता है, आपको हो गया 37, 37 के बाद क्या होता है भाई, 37 के बाद
40, 38 नहीं हो सकता, 39 भी नहीं हो सकता, 41 हो सकता है, है ना। और क्या पूछा है, 41 हो गया, 41 के बाद क्या हो सकता है, 43 हो सकता है, 43 के बाद 47, 47, 47 के बाद क्या हो सकता है, 53, 53 के बाद क्या हो सकता है, 57, 57 के बाद क्या हो सकता है, 61, 61 के बाद क्या हो सकता है, 67। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो सवाल का आंसर क्या हो गया साथियों, 19। ऑप्शन वैसे मैच करें अगर देखें, ऑप्शन है 19। तो साथियों जो है 19 ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है साथियों, कोई समस्या नहीं। आइए साथियों देखिए 80 नंबर सवाल, आज की क्लास का लास्ट सवाल साथियों, ठीक है। कह रहा 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 50 से बड़ी क्या होगा, 53, 59, 61, 67 हो गया ना भाई, 71, 73 के बाद क्या होगा, 71, 73, 79, 83 और इसके बाद 89, सबको जोड़ेंगे आंसर आएगा। अभी आप क्या करिए ना, कैसे जोड़ें भाई, 9, अच्छा सही क्रम में लिख के जोड़ते हैं जैसे, अच्छा ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 9, 3 क्या होता है, 12, 9, 3 12, 12, 1, 12, 1 क्या हो गया, 13, 13, 7 20, 20, 1 21, 21, 4 21, 3 24, 24, 9 क्या होता है, 33 होता है ना, 24, 9 33, 33, 3 36 और 36, 9 45, 45 के 5 हासिल लगा 4, ठीक है, 5, 5, 10, ठीक है, 10, 6, 6, 12, 12, 10, 22, 22, 22, 22 और 8, 22 और 8 का होता है 30, 30, 8, 38, 38 और 7, 3, 21 होता है ना, 38 और 21 जोड़ोगे, 38 और 21 तो 9, 59, 59, 4, 63, 635 सवाल का आंसर है साथियों, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए, अगर साथियों आप यहां तक आए हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी साथियों, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।